प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, ओडिशा के ट्रेन हादसे की घटना से व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी बताया कि हादसे के संबंध में उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना बेहद पीड़ादायक है। एनडीआरएफ की टीम पहले से दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। शोक संतृप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बालासोर जिले में ट्रेन हादसे की पटरी से उतरने के बाद राहत अभियान का जायजा लेने के विशेष राहत आयुक्त के नियंत्रण कक्ष पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैंने स्थिति की समीक्षा की, मैं कल सुबह घटना स्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लूंगा। वहीं रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि हावड़ा जा रही 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बहानगा बाजार में पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। उन्होंने कहा पटरी से उतरे ये डिब्बे 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए। अधिकारी ने बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे मालगाड़ी भी हादसे की चपेट में आ गई। वहीं इस ट्रेन में सवार एक यात्री ने भी पूरी घटना की जानकारी दी है। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है। मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है, कितना लोग का डेथ हुआ है, कितना लोग का डेथ हुआ बोले तो, मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोपरा बिगड़ गया है, ऐसा है मालूम है। इसके अलावा जब मैं उधर से आया, उधर से फिर इधर वापस आके इधर ही बैठा था। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि अभी मौतों के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा, कोई भी अफवाह न फैलाए जिससे लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने कहा शाम करीब 7 बजे शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 डिब्बे बालेश्वर के पास पटरी से उतर गए और विपरीत ट्रैक पर गिर गए। कुछ समय बाद यशवंतपुर से हावड़ा जाने वाली एक और ट्रेन पटरी से उतरे डिब्बों से टकरा गई, जिसके परिणाम स्वरूप 3-4 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। घटना स्थल पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, सहायता नंबर भी जारी किए गए हैं। रेलवे की टीम घायलों को बचाने का और अस्पताल पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। वीडियो डेस कमर उजाला.com।